इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो स्क्रीन पर रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार के वीडियो कैसे स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए जितने भी टोटल की ज़रूरत पड़ेगी उस सब की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उससे पहले अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थ, गूगल अर्थ। उसको ओपन कर लेंगे, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुले दिखेगा। इसको हम 3D बनाएंगे। 3D बनाने के लिए इसको जूम करेंगे, इसको दोनों दो अंगों से जूम करेंगे। जूम करने के बाद 3D पर क्लिक करेंगे और इसको वापस जूम आउट कर देंगे। जूम आउट करने के बाद सर्च वाला आइकन क्लिक करेंगे और अब जब भी सिटी पैलेस या फेमस पैलेस सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप इसको सर्च कर लेंगे और वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेंगे और इसको नीचे प्रेस कर देंगे और इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार से रिकॉर्डिंग इसको यहाँ तक आने के बाद इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेने के बाद बैक आने के बाद हम अपने काइन मास्टर को ओपन करेंगे। इसकी लिंक के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9.16 का रेशियो चूज़ करेंगे और मीडिया पर फिर बाद में मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। उसको लेने के बाद इसके पहले वाला वेस्ट पार्ट हमने सर्च किया था उसको इस लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको कट कर लेंगे। इसको इस क्लिक करेंगे और जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक हो रहा है यहाँ से हम कट कर लेंगे। कैची वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे। पहले तो इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, इससे आपको निश्चित दिख रहा है ये वाइट दिख रहा है, ये गायब हो जाएगी। जूम करने के बाद इसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे। स्पीड पर क्लिक करके इसको स्पीड कम कर देंगे। इसको हम 3.5 पे ले लेंगे। 4 सेकंड तक रहना चाहिए। 4 सेकंड, 4 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये 4 170 है, रहने दो। 4 है तो 103.5 पे ले लेंगे। 3.5 क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ट्राई करने के बाद फिर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और एडिटिंग पे जाएंगे और फिल स्क्रीन कर लेंगे और इस फोटो की लेयर को हम 1.5 कर लेंगे। करने के बाद राइट पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम वापस मीडिया पर जाएंगे और जिन पिक पर आप बनाना चाहते हैं अपने खुद की पिक से बना सकते हैं और कौन से भी आपके मन हो इस पिक से आप वीडियो बना सकते हैं, तो उन पिक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको 10 पिक की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। जल्दी से हम सारी पिक ले लेते हैं। पिक लेने के बाद प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे और एक इफेक्ट लगाएंगे ट्रांसमिट पर, स्पीड टर्न, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको आप काइन मास्टर में नहीं हो तो गेट रिंग पर क्लिक करेंगे और एक्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे स्पीड वेब। ये रहा स्पीड टर्न वाला, ये रहा इफेक्ट, इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड मेरा किया हुआ है तो इसको क्लिक करेंगे और इसका 0.3 नंबर वाला इफेक्ट लगाएंगे पहली वाली पिक पे, उसको लगाएंगे और इसकी और एक फर्स्ट वाले पे लगेंगे और लास्ट वाले पे, लास्ट तो छोड़ गए उससे पहले वाले पे वापस ये वाला इधर 0.3 वाला लगा देंगे। लगाने के बाद इसको राइट कर लेंगे। वापस हम शुरू में आएंगे और बच्चे जो प्लस वाले हैं उन पर अब उन पर ट्रांसमिट इफेक्ट लगाएंगे। सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और स्पीड वर्ब आपको इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये भी आपके काइन मास्टर में नहीं होगा तो आप गेट मोर पर जाएंगे, नीचे जाएंगे और गेट मोर पर जाएंगे और आप यहाँ इसमें से डाउनलोड कर लेना। एक्शन पर जाएंगे और
यहाँ पर ये स्पीड वेब वाला है तो इसको हम डाउनलोड कर देंगे। ये मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए नहीं होगा, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद इसको हम लगा लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके 0.3 वाले लगाएंगे और इसकी स्पीड को हम 0.5 कर लेंगे। और इसके बाद फिर सेकंड वाले पर क्लिकेंगे, वापस स्पीड वाले पर क्लिकेंगे और इसके बाद 0.4 वाले पर क्लिक करेंगे और इसकी वो वाला इफेक्ट लगाएंगे और इसकी इफेक्ट इसकी भी लेंथ को भी 0.5 कर लेंगे स्पीड को। अब इस प्रकार से हम सब में लगा देंगे। अब हम इसमें एक क्लिप ग्राफिक ऐड करेंगे, तो फोटो वाले लेयर पर क्लिक करेंगे और क्लिप ग्राफिक लगाएंगे और आपको कैमरा फोकस वाला क्लिप ग्राफिक लगाना है। तो आपको आपके डाउनलोड नहीं होगा, गेट मोड पर जाएंगे और इसमें हम डाउनलोड कर लेंगे। ये कैमरा फोकस वाला है तो ये मेरा डाउनलोड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लगा लेंगे। फर्स्ट एक लास्ट वाले फोटो लगेंगे, क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला ऐड कर लेंगे 0.1 वाला, इसको ऐड करेंगे और एक पिक को छोड़ के वापस सेकंड पिक पर इस वाले क्लिप ग्राफिक को ऐड कर लेंगे, इसी वाली को 0.1 वाले को। फिर राइट करेंगे, राइट करने के बाद अब हम इसमें एक सॉन्ग ऐड करेंगे, तो सॉन्ग म्यूजिक पर जाएंगे और हम जो भी सॉन्ग लेना चाहते हैं वो सॉन्ग ले लेंगे। यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ। करने के बाद अब हम इसको वेस्ट सॉन्ग कट कर लेंगे, चलेंगे और नीचे जाएंगे और ट्रिम कर लेंगे। करने के बाद हम इसको चला दे, ये थोड़ा हम इसमें ऐसे ऐसे चल रहा है लेकिन सेव करने के बाद सही हो जाएगा, तो इसको हम सेव कर लेंगे। ऊपर सेव का बटन होगा उससे सेव कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।